हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके चेहरे पे कुछ तरीके की झाइयाँ बन गई है या बैली के नीचे लंबी काली लाइन बन गई है, यानी कि पेट पर जहाँ टमी आपकी है वहाँ पे काली लाइन बन गई है, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये क्यों बन गया है? क्या ये नॉर्मल है? क्या एबनॉर्मल है? क्या ये ठीक होगी? अभी मुझे इसकी कोई दवाई लेनी है या ये ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगी या प्रेगनेंसी के डिलीवरी होने के बाद मुझे क्या इसका इलाज कराना पड़ेगा? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और उस पूरे वीडियो में हम प्रेगनेंसी से होने वाले हाइपर पिगमेंटेशन, उसके कारण, उसके इफ़ेक्ट और उसका ट्रीटमेंट और उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि स्किन का जो रंग है थोड़ा सा डल हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है और किसी किसी के फेस पर, यहाँ चीक्स पे पूरे के पूरे काले पैचेस बन जाते हैं और साथ ही साथ बैली के ऊपर भी एक लाइन बन जाती है जिसे कि लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। और जो फेस पर जो पैचेस बन जाते हैं उसको क्लोएज्मा कहा जाता है या इसे मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। अब ये क्यों बन जाता है? जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन्स लेवल का चेंजेस होता है और हार्मोन्स के लेवल में चेंज होने के कारण हमारे शरीर के अंदर जो मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है जिससे कि हमारे स्किन का कलर होता है, यानी कि डार्क कलर भी मेलानिन के अधिक सिंथेसिस के कारण, ज़्यादा बनने के कारण होता है या कम बनने के कारण या बिल्कुल नहीं बनता है, तो हमने सफ़ेद दाग वाली बीमारी के बारे में भी जानते हैं क्योंकि उसमें मेलानिन नहीं बनता है। तो मेलानिन एक ऐसा केमिकल है जो अपनी बॉडी में बनता है और हमारे स्किन के टोन के लिए ज़िम्मेदार है। और ये जो पिगमेंट है सन के एक्सपोज़र से ज़्यादा बनता है। बेसिकली ये बनता इसीलिए कि जो सन के अंदर, सन रेज के अंदर यूवी लाइट्स होती है, यूवी लाइट को रोकने के लिए, उसका डैमेज हमारे स्किन पर ना हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए ही मेलानिन पिगमेंट होता है। यानी कि जो वाइट स्किन के लोग होते हैं उनको स्किन के कैंसर होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है और जो ब्राउन स्किन या डार्क कलर्ड स्किन के लोग होते हैं उनको स्किन कैंसर होने की संभावनाएँ काफ़ी कम होती हैं। इसीलिए अपने लोगों को सन बाथिंग लेते हुए भी देखा होगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि आखिर ये मेलानिन पिगमेंट इतना ज़रूरी है, तो आखिर हमें ये समझ में आ गया कि मेलानिन पिगमेंट हमारे प्रोटेक्शन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी में सेक्स हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, यानी कि एंड्रोजेनिक और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण मेलानिन का सिंथेसिस थोड़ा बढ़ जाता है। और जैसे ही मेलानिन का सिंथेसिस बढ़ता है तो वो फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर, टमी के ऊपर हमें अलग अलग स्थिति में कलर का डार्कनेस दिखता है। तो फेस के ऊपर एक क्लोएज्मा होता है, बाकी स्किन के ऊपर एक डार्कनेस ऑफ स्किन कह सकते हैं, और जब टमी के ऊपर एक जो लाइन बन जाती है उसे लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? डेफिनेटली हम इसे रोक नहीं सकते हैं, बट थोड़ा कम किया जा सकता है। उसके लिए आपको थोड़े से उपाय लेने पड़ेंगे, थोड़ी सी अपनी प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी या थोड़े मेजर्स रखने पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सन एक्सपोज़र कम किया जाए क्योंकि सन के एक्सपोज़र से ही मेलानिन का सिंथेसिस बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका सन का एक्सपोज़र बढ़ता है उसके यूवी रेज की वजह से स्किन डैमेज होती है, मेलानिन का सिंथेसिस बढ़ता है, स्किन का कलर डार्क हो जाता है, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में टैनिंग बोलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ब्लैकनिंग भी हो जाती है स्किन की और स्किन थोड़ी रफ भी हो सकती है। तो सन का एक्सपोज़र आप अवॉइड कीजिए। जब भी आप सन में, सन रेज में या धूप में आप निकलते हैं तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं, चेहरे पे मास्क लगा सकते हैं, सर को कवर करके रख सकते हैं और इसके साथ ही आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर SPF देख लीजिए कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसका कितना है और कम से कम A40 के आसपास होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सनरेज से प्रोटेक्शन मिल सके। और ये आप मॉर्निंग इवनिंग इस्तेमाल कर सकती हैं। और जब भी आप बाहर जाएं, जितने भी सन एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, यानी कि जो भी आपके शरीर के खुले भाग हैं जहाँ पे कि सन से एक्सपोज़र हो रहा है, वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सनस्क्रीन लगाइए या उन्हें कवर कर लीजिए। इसके अलावा आप अपना हाइड्रेशन पूरा रखें, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि जब भी आप हाइड्रेशन कम्प्लीट रखेंगे, पूरा रखेंगे, तो स्किन में ड्राइनेस, डलनेस नहीं आएगी और सन रेज से भी प्रोटेक्शन होगा और स्किन हेल्दी बनी रहेगी। इसके अलावा इमोलियंट्स का यूज़ करना, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में ड्राइनेस बढ़ जाती है
और ड्राइनेस की वजह से स्किन का इरिटेशन और खुजली भी शुरू हो जाती है, और सन एक्सपोजर के बाद डैमेज होना भी शुरू हो जाती है। तो आप प्रॉपर अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लैकनिंग या क्लोइज़मा या जो भी आपका स्किन का जो डार्कनिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप एंटी टैनिंग जो फेस पैक्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि घर पे अगर आप दही हल्दी या दूध हल्दी का पैक भी आप लगा सकते हैं जो कि आपके टैनिंग को कम करता है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई लोग नींबू का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी टैनिंग थोड़ी कम रहे, स्किन सप्पल बनी रहे, उसका मॉइस्चराइज़र बना रहे, उसकी इलास्टिसिटी बनी रहे, क्योंकि सन एक्सपोजर के कारण जनरली ये सारी चीज़ें स्किन से चली जाती हैं और स्किन बर्न होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है और डैमेज भी हो जाता है। और प्रेगनेंसी के कारण जो हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है उसको हम कम्प्लीटली रोक नहीं सकते हैं, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रेगनेंसी। और एक्चुअली में तो ये क्लोइज़मा या लिनिया नाइग्रा प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है, एम्बाकमेंट है, जिससे कि हम मतलब ख़त्म नहीं कर सकते बट डेफिनेटली थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद यानी जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो धीरे धीरे आपके स्किन से जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे जाने लगता है और ऑटोमेटिकली 6 से 7 महीने के अंदर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और 1 साल के अंदर अंदर तो इसमें आपको कभी भी किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी भी थी और आप किस तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन था। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी कि ये परमानेंट नहीं है, डेफिनेटली ये टेम्प्ररी चीज़ है, प्रेगनेंसी के साथ है और प्रेगनेंसी के साथ ही चला जाता है। और फिर भी अगर पोस्ट प्रेगनेंसी भी आपको लगता है कि काफ़ी डार्कनिंग है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर तो हम आपको किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं दे सकते बट डेफिनेटली आपकी डिलीवरी होने के बाद हाइपोपिगमेंटिव मेडिसिंस आती हैं जिससे कि जो डार्कनिंग है स्किन की वो कम हो जाती है और पिगमेंट का सिंथेसिस भी कम हो जाता है। तो धीरे धीरे स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आप यूज़ कर सकती हैं जिससे कि जल्दी आप अपने आप को रिकवर कर सकती हैं। और इसके बाद में भी यदि किसी को परमानेंट निशान रह जाते हैं तो लेज़र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी के मार्क्स को लेकर आप बिल्कुल चिंता न करिए, ये मैनेजेबल हैं, ट्रीटेबल हैं और ये परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्प्ररी होते हैं। सो एन्जॉय द प्रेगनेंसी एंड दिस ऑल आर द प्रेगनेंसी मार्क्स and they are a hallmark of the pregnancy, so don't afraid of it, just carry on the life. आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।